हाय फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स लर्न इजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड इट हैज बीन रिटन बाय मैरी हार्विट। दिस वीडियो हैज बीन स्पेशली मेड फॉर इंग्लिश ICSE रैंकर्स। सो ऑब्वियसली दिस इज ओनली फॉर द पर्सन ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स गुड मार्क्स इन देयर ICSE बोर्ड्स और ISC बोर्ड्स। सो दिस चैप्टर इज फॉर यू माई फ्रेंड्स माई स्टूडेंट्स। So let's begin this video as I've made it. So let's have a look on it. And the spider and the fly, it has been written by Mary Howitt. We all know about it. Let's get back to something else also. Here is only for ICSE toppers and ISC toppers I have written. So please, if you really like this video, please like, share and subscribe my channel also. Now let's begin this video. I have written here stanza wise, so hope you like it. First, wherever, whatever chapter you are going to study, you have to be very confident about the chapters, that what are you studying and it has been written by whom. So this, the spider and the fly, has been written by the poet whose name was Mary Howitt. She was an English poet and an author. So as you can see, her poem The Spider and the Fly is her most famous work. Although with her husband she authored more than 180 books, and this is also a fable. So I would like to tell you something, just a second give to me. So ye kisne likha hai, basically Mary Howitt ne likha hai. She was an English poet. My friends, main ye video bana rahi hu sirf usi students ke liye, usi friends ke liye जिनको इस चीज़ इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को सही से अंत तक देखिए, ओके, लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी तरीके से ये समझ में आएंगे। नाउ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो के लिए इस चैनल में नए हैं तो भी इसमें सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है नीचे आपके, उसे प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स बैक टू दिस वीडियो। मैरी हावर्ट वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन author, and she is the only one who has written this, The Spider and the Fly. It is her very much famous work, you can say, and she has written many, more than 180 books with her husband. Now उन्होंने अपने husband के साथ में मिलकर 180 books, more than 180 books से ज़्यादा, मतलब 180 books जो है उससे भी कई ज़्यादा books लिखे हैं अपने husband के साथ में मिलकर, मतलब दोनों ही writer थे। Now this poem is called a fable. Fable क्या होता है सबसे पहले बताइए। Fable अपने दिमाग में, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि fable क्या होता है, और इस ये जो spider and the fly है इसको fable क्यों बोल रहा है, right? Fable उसे बोला जाता है जिसमें एक animals के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो animal बात कर रहा है दूसरे animal से, और वो बिल्कुल ही इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्लर वगैरह। अब इंसान पार्लर जाते हैं ना, स्पाइडर्स तो पार्लर नहीं जाते हैं, या हनी बीज, बर्ड्स, ये सब तो पार्लर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पाइडर पार्लर वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है, और प्लस वो बात भी कर रहा है, राइट? फ्लाई से वो बात कर रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिसमें कोई भी एनिमल बात कर रहा हो या बिहेव कर रहा हो ह्यूमन की तरह, दैट इज कॉल्ड अ फेबल। उसे हम लोग फेबल कहते हैं। एज इट मीन्स फॉर चिल्ड्रेन, इट्स लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड। इट्स लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे फेबल का मतलब आपको समझ में आ गया, किसने लिखा है आपको समझ में आ गया, मैरी हावर्ट। शी वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन ऑथर। नाउ उन्होंने 180 से ज़्यादा बुक्स लिखा है। शी इज दिस पोएम इज कॉल्ड इज नोन एज अ फेबल। तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसको फेबल क्यों बोला गया, एग्जाम में आपके आएंगे फेबल को लेकर के, तो आप इस टॉपिक को उठा सकते हैं। क्या इसे फेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एनिमल्स जो है वो टॉक कर रहे हैं और बिहेव करते हैं बिल्कुल एनिमल, सॉरी ह्यूमंस की तरह, हमारी तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं। हम लोग पार्लर वगैरह जाते हैं, हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो फ्लाई भी वही सब करने का सोच रहा होता है, वो उसको टेम्प्ट कर रहा होता है स्पाइडर। तो इसी बारे में ये पूरा हमारा चैप्टर, पूरा हमारा पोएम है। नाउ एज इट मीन्स फॉर चिल्ड्रेन, हम लोग बच्चों को बहुत बचपन से सिखाते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से कैडबरी नहीं लेना है, आपको जो भी चाहिए आप हम लोगों से ले लीजिए। सो ये सब जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है हमारे लिए, यही इंपॉर्टेंट है, राइट? एज इट मीन्स फॉर चिल्ड्रेन, इट्स लैंग्वेज इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ताकि ये लैंग्वेज ही बनाया गया है ताकि ये सबके लिए आसान हो, हर बच्चे के लिए। तो ऐसा कुछ जो बच्चों के लिए भी
बच्चे भी आसानी से समझ सके. नाउ लेट्स कम बैक टू समरी ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई. व्हाट इज समरी? जस्ट लेट मी नो सॉरी लेट मी टेल यू सॉरी द प्रेडोमिनेंट टोन इज वन ऑफ द फ्लैटरी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे? फ्लैटरी. वॉट इज फ्लैटरी? अब बात करते हैं हम लोग फ्लैटरी. ये फ्लैटरी वर्ड होता क्या है? ये इसमें समरी में, समरी मतलब एक बहुत ही छोटी छोटे लाइन्स में, बहुत ही कम लाइन्स में आपको ये पूरा का पूरा जो पोएम है इसको मतलब आपको बताना है, उसे हम लोग बोलते हैं समरी. लेकिन पहला लाइन में आपको क्या दिख रहा है? द प्रिडोमिनेंट टोन इज वन ऑफ द फ्लैटरी. अब बताइए आप फ्लैटरी क्या होती है? फ्लैटरी वो होती है फ्रेंड्स जो हम लोग सामने वाले की चापलूसी कर रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्लैटरी. फ्लैटरी मतलब अरे बाबा तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हारा सैंडल बहुत अच्छा है, तुम्हारा पर्स बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से हंसती हो, तुम ये काम बहुत अच्छे से कर रही हो, तुम मेरा भी काम कर दो ना. इसको हम वो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो फ्लैटर करने वाली चीज़ है ये. भले ही आपको पसंद है या नहीं है ये नहीं मैटर करता है, ये मैटर करता है कि आप सामने वाले को चापलूसी कर रहे हैं, आप उसको रिझा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उनको स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराना. स्पेशल तो खैर सभी को ही होते हैं, हम भी हैं आप भी हैं, लेकिन जब मैं और आप दोनों ही एवरेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बोले जा रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरी. जैसे कि एक गरीब इंसान के सामने एक बहुत ही अमीर इंसान आकर के बैठ जाता है तो उसको देख करके बार बार फ्लैटर कराता है, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ये हो वो हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैटरी. उस चीज़ को मैं फ्लैटरी बोलती हूँ. Now the spider and the fly. Let's come to this line. The spider and the fly by Mary Howitt describes the entrapment of a silly fly who gives into her own vanity and loses her life into a cunning spider. मतलब यहाँ पे एक सिली फ्लाई को हम लोग सिली फ्लाई बोल रहे हैं और स्पाइडर को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? एज अ कनिंग स्पाइडर, राइट? तो जो कि अपना अपना पूरा सब कुछ निछावर कर रहा है, एक सिली फ्लाई जो कि ट्रैप में फंस चुका होता है. किसके ट्रैप में? इन द ट्रैप ऑफ कनिंग स्पाइडर. और उस ट्रैप में फंस कर वो अपना लाइफ को भी लूज कर चुका होता है. दैट इज अबाउट द सेकंड एंड थर्ड लाइन. द स्पाइडर एंड द फ्लाई डिस्क्राइब्स द इंट्रैपमेंट ऑफ अ सिली फ्लाई हु गिव्स इनटू हर ओन वैनिटी एंड लूजेस हर लाइफ टू अ कनिंग स्पाइडर. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग द एफर्ट्स ऑफ अ स्पाइडर टू ल्योर अ fly into his dark and evil home. ये जब poem की शुरुआत ही हो रही होती है, beginning जब हो रही होती है, तब speaker यानी कि जो spider है, cunning spider है, वो बार बार उसको flatter कर रहा होता है. किसे flatter करता है? Fly को flatter कर रहा होता है कि तुम आओ मेरे घर पे, मेरा घर dark evil home है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी को नहीं खाता हूँ. वो अरे चोर बोल रहा है क्या? मैं चोरी नहीं करता हूँ. चोर बोल रहा है मैंने चोरी छोड़ दी है, राइट? तो यही बात हो गई. आप चोर को बोल रहे हैं मेरे घर का दरवाज़ा कहीं लॉक है या नहीं है, उसका देख रेख करना, उसको गार्ड करना. चोर को आप बोलोगे गार्ड करने के लिए, वो क्या करेगा? उसको एक ही काम आता है चोरी, तो वही करेगा. स्पाइडर का भी वही काम है, उसको वही खाना है, तो वो अपना उसको जाल में फंसाने के लिए कुछ भी बोलेगा, राइट? तो वो उसको टेंप्ट कर रहा होता है, बहुत बहुत ट्राई कर रहा होता है. एंड एट द एंड फ्लाई जो है वो मान जाती है और वो एंट्रैपमेंट में फंस जाती है. द पोएम फीचर्स अ स्पाइडर हु अटेम्प्ट्स टू ट्रैप अ फ्लाई थ्रू फ्लैटरी एंड डिसेप्शन. थ्रू फ्लैटरी एंड डिसेप्शन, फ्लैटरी और धोखाधड़ी. मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ्लैटर, उसके साथ में बहुत ज़्यादा चापलूसी गिरी कर रहा होता है और उसे धोखा भी दे देता है. ये तो नहीं है ना कि उसको फ्लैटर कर रहा है और वो बार बार बोल रहा होता है कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन एट द एंड जैसे ही वो पास में जाती है वो उसको पकड़ के खा लेता है, राइट? मतलब एक तरह से वो अपनी बात को नहीं रखा और वो डिसेप्शन यानी कि उसे धोखा दे देता है. दैट इज द फाइनल स्पीच ऑफ द स्पाइडर गिव्स फ्लैटर्स द फ्लाइज वैनिटी. दिस डज द ट्रिक एंड इवेंचुअली शी कम्स बैक एंड इज ईटन अप बाय द स्पाइडर. टोटल नंबर ऑफ स्टैंजा इज हाउ मच? हाउ मेनी? 7. And with the rhyme scheme of AABB. तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि समरी में क्या है और इसमें आपको क्या क्या सही से पढ़ना होगा. मैरी हावित ने लिखा है, वो इस बारे वो यहाँ पे फ्लाई को एक सिली फ्लाई बोल रही हैं और स्पाइडर जो है वो एक कनिंग स्पाइडर है जो कि बार बार उसको फ्लैटर कर रहा होता है और एट द एंड वो डिसेप्ट कर चुका होता है.
इसमें आपको टोटल 7 स्टैंजास मिलेंगे और ए ए बी बी राइम स्कीम मिल जाएगी. लेट्स कम टू स्टैंजा नंबर 1. Now, at first, before going to stanza number 1, I would like to say about the message of the poem. Message of the poem का मतलब होता है कि इस poem में आपको क्या message मिल रहा है, इस poem से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं. Okay, the poem, just a second. Let me mark down the important words. The message being conveyed in the poem, the spider and the fly, is that we should not give heed to flattery words or we might get in trouble. यहाँ पे बोल रहा है that हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए जो हमें बार बार flatter कर रहे होते हैं, और else at the end हम flatter होकर उसके जाल में फंस जाएंगे और बाद में हम trouble होगी. So that is the thing is the poem is the poet is about. The poet is trying to say that never ever get in the entrapment of flattery words, okay, or else we are going to get in a big trouble. Let's come to stanza number 1. Give me just a second. Let me erase it. Okay, ye erase nahi ho raha hai filhal. Okay, leave it for a moment. So let's come to this one. ये आपका हो जाता है स्टैंजा जो कि आपको बुक में मिला होगा. ओके, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, से द स्पाइडर टू द फ्लाई, इट्स द प्रीटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई, द वे इन टू माई पार्लर इज अ विंडिंग स्टेयर. उसको स्टेयर बोल रहा है, वो अपनी बकरी के जाल को स्टेयर्स बोल रहा है. एंड आई हैव मेनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर. वो बार बार उसको ललचा रहा है कि जब तुम यहाँ पे आओगी तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा प्रिटी थिंग्स है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. ओ नो नो, से द लिटिल फ्लाई, टू आस्क मी इज इन वेन, फॉर हु गोज अप इन विंडिंग स्टेयर कैन नेवर बी कम अगेन. मतलब यहाँ पे फ्लाई को पता है कि जो भी उसके विंडिंग स्टेयर में जो उस स्टेयर्स की तरह उसको बोल रहा है, ठीक है, तो जो भी तुम्हारे विंडिंग स्टेयर में जाता है वो वापस कभी नहीं आता है. यहाँ पे वो खुद ही बोल रही है, देखो कैसे स्माइल कर रही है. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द समरी ओपन्स विद अ डायलॉग बिटवीन अ प्रेडेटर, द स्पाइडर एंड अ प्रे इन द फ्लाई. इन द फर्स्ट स्टैंजा वी ऑब्जर्व दैट द स्पाइडर अलियरिंग द फ्लाई टू हिज पार्लर. वो अपने यहाँ पार्लर बोल रहा है, अपनी जगह को. ही ट्राइज टू एंटाइज द फ्लाई by saying that he has many pretty things to show her inside the parlor. The spider portrays his house as a mysterious place. वो बार बार अपनी जगह को, अपने घर को mysterious place बोल रहा है. As the prettiest little parlor to trick the little fly into his bed. The fly understands that this is a trap and rejects his invitation by saying she knows that whoever goes in there never comes out. यहाँ पे फ्लाई जो है वो बहुत चालाकी दिखाती है और उसको इनवाइट कर रहा होता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये मिस्टीरियस प्लेस जो है यहाँ पे जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है. Now let's come to next stanza. ये स्टैंजा में आप लोग देख सकते हैं. Okay, let me. Now, I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Say the spider to the fly. मतलब मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, इतने देर से उतनी ऊँचे उड़ रही हो. मतलब वो एकदम सहानुभूति दिखा रहा है. There are pretty curtains. मतलब अपने घर को वो pretty curtains भी बता रहा है. There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin. मेरा जो मकड़ी, मैंने जो जाल बनाया है ये एक कर्टन्स की तरह है और बहुत ही फाइन एंड थिन. एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल, आई विल स्नगली टक यू इन. अगर तुम यहाँ पे रेस्ट करना चाहो मेरे प्रिटी कर्टन्स में, तो तुम आके रेस्ट कर सकती हो. यहाँ पे क्या बोल रही है फ्लाई? ओ नो नो, से द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड दे नेवर नेवर वेक अगेन हू स्लीप अप ऑन योर बेड. Now this is very funny.
यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया गया है कि जो भी तुम्हारे इसमें जाता है वो वापस तो बिल्कुल भी नहीं आता है. Now let's come back to the paraphrase of this stanza two. In this stanza, the spider employs a different trick to convince. यहाँ पे वो different trick play कर रहा है to convince the fly to enter his house, ताकि वो उसके house में enter करे. क्योंकि वो तो जाके grab नहीं कर सकता है ना fly को, तो इसलिए बार बार अपना जो जाल है वो बार बार बिछाया है और बार बार उसको ललचा रहा है कि ये प्रिटी कर्टन्स है, फाइन है, बहुत थिक है, बहुत ही थिन है, तुम आराम से यहाँ पे आके बैठ कर थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हो क्योंकि तुम बहुत देर से इतने ऊंचे ऊंचे उड़ान भर रही हो. ही फेक्स कंसर्न फॉर हर बाय सेइंग दैट शी मस्ट बी टायर्ड एंड ऑफर्स हर टू गेट सम रेस्ट ऑन हिज कंफर्टेबल लिटिल बेड. ही ट्राइज टू टेम्प्ट हर विद अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, थोड़ा सा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एज ही सेज दैट देयर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड. ही ट्राइज टू अपील टू द फ्लाइज हार्ट बाय कनिंगली ऑफरिंग अ शोल्डर टू रेस्ट. वो अपना शोल्डर दे रहा है बेसिकली, उसको रेस्ट दे दिए. शोल्डर दे रहा है मतलब अपना शोल्डर असली में नहीं दे रहा है, शोल्डर दे रहा है का मतलब होता है यहाँ पे कि वो उसको सहानुभूति दे रहा है कि तुम आओ यहाँ पे, तुम रेस्ट करो. ही ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन बिफोर ही गेट्स रेडी टू ईट हिज प्रे. फ्लाई इसके लिए क्या है, एक प्रे, राइट, एक विक्टिम है उसके लिए जो कि उसे वो खाना चाहता है. तो वो एक कनेक्शन बनाना चाह रहा है, जब तक वो कनेक्शन नहीं बनाएगा, फ्रेंडशिप नहीं करेगा, तब तक वो उसके पास नहीं आएगी, इसलिए वो बार बार उससे दोस्ती करना चाह रहा है. थैंकफुली एग्जॉस्टेड और नॉट, द फ्लाई इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ शी गोज इन टू रेस्ट शी माइट एंडिंग अप इन स्लीप फॉर एवर. मतलब उसको कहीं ना कहीं पता है, शी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ शी इज गोइंग टू स्टे देयर, शी इज गोइंग टू गेट रेस्ट अ बिट, शी विल बी लिविंग स्लीपिंग फॉर एवर, शी विल नॉट गेट अप फॉर एवर, ओके, शी विल डाई. नाउ शी रिफ्यूजेस द स्पाइडर्स ऑफर एंड सेज शी इज एब्सोल्यूटली अवेयर दैट हूएवर गोज टू स्लीप ऑन हिज बेड नेवर वेक्स अप. द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नेवर लेज एम्फेसिस ऑन द डिस्ट्रस्ट ऑफ द फ्लाई ऑफ द स्पाइडर. ये हमारा हो गया स्टैंजा वन. स्टैंजा टू भी हमने कंप्लीट कर लिया है. लेट्स कम टू स्टैंजा नंबर थ्री. स्टैंजा नंबर थ्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे Said the cunning spider to the fly, "Dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have felt for you?" यहाँ पे क्या बोल रहा है? Spider इतना cunning है. देखिए यहाँ पे इसको cunning बताया गया है. Okay, friends, आपको cunning बताया गया तो आपको exam के paper में भी cunning spider ही बोलना है. अच्छा अच्छा spider नहीं होता है, spider cunning होता है. ठीक है, इस poem के हिसाब से. Now यहाँ पे spider बोल रहा है कि अरे मैं अपना वॉर्म अफेक्शन दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ तुमको कि मैं सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा हूँ, ख्याल रखना चाहता हूँ. तुम बहुत अच्छी फ्लाई हो, तुम इतनी देर से उड़ रही हो, मैं देख करके तुम्हें बहुत थक गया हूँ. तुम आओ मेरे कर्टन्स में, मेरे जो पतले पतले फिल्ड्री कर्टन्स है उस पर आ करके लेटो, थोड़ा सा आराम करो. लेकिन तुम तो मुझे बुरा समझ रही हो. आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस. मेरे घर के अंदर में एक बहुत बड़ा पैंट्री है, पैंट्री स्टोर है, जिसमें मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान रखता हूँ. सो यू आर वेलकम, यू विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस. क्या तुम आओगी मेरे घर पे, थोड़ा सा कुछ खा लो? ओह नो नो, से द लिटिल फ्लाई, काइंड सर, दैट कैन नॉट बी. आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री, आई डू नॉट विश टू सी. तो यहाँ पे भी वो क्लेवरनेस दिखा रही होती है कि भाई मुझे पता है तुम्हारा क्या चाल है, तुम मुझे बार बार जान मुझे बुला रहे हो ताकि तुम मुझे बाद में फिर खा सको. Now this time the spider tries, इस paraphrase का मतलब क्या है, ये वाली जो paraphrase हम लोगों ने पढ़ा है, ये stanza जो पढ़ा है, इसका explanation यहाँ पे है. okay, explanation यहाँ पे मैं explain नहीं कर रही. okay, now इस paraphrase का explanation है, this time the spider tries to befriend the fly. अब इस paragraph में वो चाह रहा है कि fly से थोड़ा सा दोस्ती कर ले, ताकि उसको आसानी हो, उसको ग्रैब करने में आसानी हो. कॉलिंग हर डियर फ्रेंड, वो डियर फ्रेंड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करके अपने आप अपना जो दोस्ती का जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा है.
He wants to establish a false bond of friendship and affection in order to lure her into his home, ताकि वो उसके घर पे आराम से फ्रेंडशिप के तौर पे आ सके, नहीं तो वो झिझक रही है. अगेन ही ट्राइज टू परसुएड हर टू फुलफिल हर विश बाय ऑफरिंग हर गुड फूड फॉर हिज फ्रॉम हिज पैंट्री. अब वो बार बार उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि मेरे घर के अंदर भी बहुत अच्छा पैंट्री है, तुम आओ आकर के यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा अच्छा सामान है. Flies, however, determined not to be tricked by the cunning spider. She tactfully refers to the spider as kinder. लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से manage कर रही होती है कि उसको kind sir, आप बहुत अच्छे हैं. लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे assertive communication के तौर पे वो उसको no भी बोल रही है और उसको kind भी बोल रही है. मतलब वो मुंह पे ना भी बोल रही है और सामने वाले को बुरा ना लगे यही कर रही है, इसलिए वो काइंड सर बोल रही है. ठीक है, तो काइंड सर एंड टेल्स हिम दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट ही हैज टू ऑफर इन हर, व्हाट ही हैज टू ऑफर हर. वो नहीं चाहती है कि वो उसको क्या दिखाना चाहता है, उसको चाहिए ही नहीं. तो अब हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स स्टैंजा नंबर 4. यहाँ क्या बोल रहा है उसको, स्वीट क्रिएचर You are witty and you are wise. तीन words stanza 4 के first line में उसने तीन words का इस्तेमाल कर लिया है. Sweet creature, see the spider. You are witty and you are wise. तुम बहुत चतुर हो, चालाक हो और तुम बहुत sweet भी हो. How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? वो देख चुका है कि अब वो उसको फ्रेंड बोल करके वो नहीं रिझी, वो फ्लैटर नहीं हो पाई. अब वो उसको बहुत, अब उसका बाहरी तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहा है. बाहरी तरीके से मतलब उसको फिजिकल, उसके फिजिकल अपीयरेंस से उसको जज कर रहा है. उसको बार बार बोल रहा है कि तुम्हारा बहुत अच्छा विंग्स है, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, तुम बहुत ज़्यादा विटी हो, वाइज हो, बहुत स्वीट हो, गॉजी विंग्स. आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ. तुमने तो अपने आप को कभी देखा नहीं होगा, मेरे पार्लर शेल्फ में एक छोटा सा ग्लास है जिसमें हम लोग अपने आप को देख सकते हैं. तो तुम वहाँ पे आओ और अपने आप को देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो. इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बी होल योर सेल्फ. जैसे ही तुम अपने आप को देखोगी एक मोमेंट के लिए भी तुम अपने आप को देखती रह जाओगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो. आई थैंक यू जेंटली सर शी सेड फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से. I'm bidding you good morning now. I'll call another day. The spider does not give up. ये paragraph में ये two lines जो है इसमें बस gentle sir thank you करके वो चली जा रही थी, वो समझ चुकी थी. लेकिन spider इतना cunning है कि क्या बोल रहा है, the spider does not give up. This time he tries to flatter the fly ant. Now let's come to the explanation part. The spider does not give up. This time he tries to flatter the fly into doing what he wants to do, what he wants her to do. He calls her a sweet creature that is witty and wise. He acknowledges the fly's smartness and decides to coax her by repeatedly complimenting her. वो बार बार repeatedly compliment कर रहा है उसको कि तुम बहुत अच्छी हो, wings बहुत अच्छा है, तुम बहुत sweet creature हो, witty हो, wise हो, मेरे पास एक छोटा सा power है, ये सब बोल रहा है. He compliments her. Now, he also compliments her appearance. How handsome are your gauzy wings? मैं बोल चुकी हूँ आपको. Fly, how beautiful she is by offering her looking glass. ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को. Will you walk into my parlor? क्या तुम मेरे घर पे आओगी, मेरे पार्लर में आके देखो कैसी हो तुम, कितनी खूबसूरत हो तुम, अगर एक बार देख लोगी अपने आप को तो नजरें नहीं हटेंगी तुम्हारी. Yes, trying to say. Will you rest upon my little bed? Will you please take a slice? But is the first time he suggests her to do something. I have a little looking glass upon my parlor shelf. I'll step in one moment. Dear, you shall behold yourself. तुम अपने आप को देख करके एकदम खो जाओगी, तुम इतनी खूबसूरत हो. Perhaps. It affects the fly's reply. She shifts her tone from a firm, oh no no, a soft tone. और यहाँ पे वो no बोल करके thank you gentle sir बोल करके चली जा रही है. तो ये हम लोगों ने कर लिया है stanza number 4. अब हम लोग आ चुके हैं stanza number 5 में. The spider turned. लेकिन spider जो है वो give up नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो अपना जाल जो है वो बिछा चुका है अपने शिकार के लिए. और उसका शिकार है यहाँ पे इस बार उसका प्रे कौन है, उसका प्रे है PREY. प्रे कौन है उसका,
फ्लैग, और बार बार उसको रिझा रहा है अपने फ्लैग फिंगर से ताकि वो दोस्ती कर ले और दोस्त बन करके उसके पास में आए। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज टेल। जैसे ही वो उसको बोल के जाते कि हम दूसरे दिन आएंगे, वो मुड़ जाता है, वो राउंड राउंड अबाउट वो टर्न हो करके अपने टेन के अंदर चला जाता है। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून कम बैक अगेन, क्योंकि जिस तरह से उसने जाल बिछाया है वो समझ चुका है कि जो सिली फ्लाई है वो जरूर आएगी वापस से। सो ही वोव अ सबटल वेब इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई, इसलिए वो एक सबटल वेब घूम रहा होता है एक लिटिल कॉर्नर में। ओके एंड सेट हिज टेबल रेडी, अब तो उसने अपना बिरयानी के लिए टेबल रेडी कर लिया है। एंड देयरफॉर ही सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, मतलब वो समझ चुका है कि फ्लाई जो है वो नहीं 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 बोल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके जाल में फंसने वाली है, इसलिए उसने पहले ही एक सबटल वेव बुन चुका है इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाइड। और वो अपना टेबल मतलब अपना भोजन का समय उसका आ गया है, वो टेबल वेबल रेडी कर लिया, टेबल रेडी कर लिया है मतलब कि वो अपने आप को रेडी कर चुका है कि अब जो है मैं फ्लाई को खाऊंगा। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मेरिली डिड सिंग, अब वो वापस से अपने दरवाजे में आता है, दरवाजे के पास और गाना गा रहा है, कम हायर हायर प्रिटी फ्लाई विद अ पर्ल एंड सिल्वरी सिल्वर विंग, योर रोज आर ग्रीन एंड पर्पल, देयर्स अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, आईज आर लाइक डायमंड ब्राइट बट माइन आर डल एज लेड। यहाँ पे वो अपनी बुराई भी कर रहा है और उसकी अच्छाई कर रहा है जिसके वजह से ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी ये लाइन की वजह से। ओके योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइन आर डल एंड लेड। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेनेशन। आफ्टर ऑल दैट टॉक ऑफ द फ्लाई बीइंग विटी एंड वाइज, स्पाइडर एक्चुअली थिंक्स ऑफ द फ्लाई एंड कॉल्स हर सिली, अब वो समझ चुका है कि अब ये जो फ्लाई है मेरे जाल में फंसने वाली है, तो अब ये हो गई है सिली फ्लाई। लाइक सो मेनी अदर्स एज ही लर्न बिफोर ही इज कॉन्फिडेंट दैट शी हैज प्रेडिक्टेबली फॉलन ऑफ हिज हनी टंग वर्ड्स, वो समझ चुका है कि अब वो उसकी मीठी शहद भरी जबान से वो अब फिसलने वाली है। हनी टंग वर्ड्स एट दिस पॉइंट इन द पोएम स्पाइडर्स एविल इंटेंशन बिकम्स क्लियर, यहाँ पे उसका एविल इंटेंशन जो बुरा नियत है वो क्लियर क्लियर हम लोगों को दिख रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अपना प्लेट वेट पूरा रेडी करके रखा है कि भाई हम खाएंगे। प्लेट रेडी करने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता है कि वो स्पाइडर होकर के प्लेट सच में रेडी करेगा, प्लेट रेडी करने का मतलब होता है कि वो अपने आप को फिजिकली फिट कर रहा है कि अब मुझे वो अंदर से मेंटली भी फिट हो रहा है और फिजिकली भी फिट होने वाला है, वो ये शो करने का कोशिश कर रहा है। स्पाइडर सीम्स टू बी इन नो डाउट ऑफ द आउटकम, वो पूरी तरीके से आउटकम समझ चुका है कि क्या होने वाला है, जैसे ही फ्लाई आएगी मैं उस पर छक्का मारूंगा। तो वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी कम अगेन, ही वीव्स अ वेब नॉट इजीली नोटिसेबल अ सबटल वेब, वो ऐसा एक वीव कर रहा होता है, ऐसा एक वेब वीव कर रहा होता है बुन रहा होता है जो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं हो, जो ज़्यादा दिखे नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो। ही डिसीटफुल हिज डिसीटफुल प्लान कम्स टू लाइट एज ही सेट्स हिज टेबल फॉर द फ्लाई, नॉट एज हिज गेस्ट टू डाइन विद बट एज हिज फीस्ट टू डाइन ऑन, वो एक टेबल रेडी कर रहा होता है जिससे कि समझ में आ रहा है ना कि वो फ्लाई के लिए कि फ्लाई आप आइए यहाँ पे खाइए, इट्स नॉट फॉर फ्लाई, ताकि वो फ्लाई को खा सके, टू एज इज फीस्ट टू डाइन ऑन। कम हाइदर हाइदर, अब वो जा करके कहाँ जा करके ये गाना गा रहा होता है अपने दरवाजे में, कम हाइदर हाइदर प्रिटी फ्लाई द स्पाइडर कॉल्स आउट ईगरली, क्योंकि वो तो भूख से तड़प रहा है, वो आवाज लगा रहा है उसको, प्यार से बुला रहा है। फीलिंग लाइक ही हैज टेम्प्टेड हिज प्रे, वो समझ चुका है कि उसका प्रे जो है वो टेम्प्ट हो चुका है इतने ज्यादा हनी हनी टंग वर्ड से। स्पाइडर रैपिडली रील्स द फ्लाई इन विद विविड फ्लैटरी, द रोब्स ऑफ ग्रीन एंड पर्पल रेफर्स टू द कलर ऑफ फ्लाईज बॉडी, द क्रेस्ट और क्राउन लाइकली टू फ्लाईज एंटेना, फ्लाई के एंटेना का कलर उसने बोला है क्रेस्ट एंड क्राउन। ओके
क्राउन शेप एंड क्रेस्ट एंड गॉजी विंग्स हैव नाउ बिकम पर्ल। जो विंग्स है बिल्कुल पर्ल जैसा है, सिल्वरी है, ब्रिलियंट आइज है, बिल्कुल डायमंड की तरह चमकता है और मेरा देखो एकदम डल है लेड की तरह। तो ये हो गई हमारी स्टैंजा नंबर 5। यहाँ पे जिस तरह से वो स्पाइडर दिख रहे हैं ना, सच में वो वैसा ही होगा। ओके, ये बाहर की दुनिया हमारी ऐसी ही होती है, जालिम होती है, हम लोग सुनते हैं ना, तो ये वही है। ये बाहर के जितने भी स्ट्रेंजर्स है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्पाइडर और द एंड द फ्लाई, ये हमारे आसपास हम लोग फ्लाई हैं, हम सारे लोग जो है ना ये सब फ्लाई हैं। और जो हमारे ऊपर नज़र रखे रहते हैं, हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं, वो होते हैं स्पाइडर जैसे। तो हम लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस वन, स्टैंजा नंबर 6। Alas, alas, how very soon this little fly, hearing his wee flattery words, came slowly flitting by. जैसे ही वो अपना flattery words सुनती है, वो धीरे धीरे करके पास आ रही है। With buzzing wings, she hung aloft, then near and nearer drew. और अपना वो sound होता है ना उन लोगों के flies के wings से buzz, उसको बोलते हैं buzzing wings. She hung aloft, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उड़ रही है और वो धीरे धीरे स्पाइडर के करीब जा रही है। Thinking only of her brilliant eyes in green and purple hue, वो बिल्कुल अपने ही दुनिया में आप एकदम वो अपने आप को बहुत समझ रही है कि वो भूर परी है, ये है मेरा brilliant eyes है, green है, purple है, तो अब वो अपने बारे में ही सोच रही है। और वो इसी चीज़ के लिए तो स्पाइडर माने जाते हैं, इसलिए तो बुनते हैं जाल ताकि हमारे जैसे लोग उसके इसमें फंस जाए। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हीड, हुआ फुलिश थिंग एट लास्ट, अप जंप्ड द कनिंग स्पाइडर एंड फाइसली हेल्ड हर फास्ट। और वो जैसे ही करीब जा रही होती है, अपने हेड क्रेस्टेड हेड ये सब के बारे में जो सोच रही होती है, उतने ही में कनिंग स्पाइडर जो है उसके ऊपर में जंप कर लेता है और अपना फास्ट जो है वो ब्रेक कर देता है। He dragged her up his winding step into his dismal den within his little parlor, but she never came out again. क्योंकि वो उसको टान कर, घसीट कर, ड्रैग करके winding stair में ले रहा होता है, लेकर जा रहा होता है। ऐसा ऐसा होता है ना, ये winding stairs है, ठीक है, मकड़ी का जाल, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ लेट्स कम बैक टू एग्जैक्ट, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। द स्पाइडर सीम्स इवन मोर कॉन्फिडेंट, अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है, मैंने बताया था। द वेपन ऑफ वैनिटी वर्क फॉर हिम एंड ही फाइनली रिसीव द फ्लाई इन टू द स्कम सकम्बली टू हिज एविल डिजायर्स, वो अपना एविल सोच में, बुरी सोच में बिल्कुल कामयाब हो चुका होता है। The fly is bewitched by the spider's flattery and decides to slowly approach the spider's web. और वो धीरे धीरे बेचारी fly जो है वो silly fly धीरे धीरे जा रही होती है, सोच रही होती है अपने बारे में, और वो उसको drag कर लेता है, jump कर लेता है उसके ऊपर और drag कर लेता है। The fly is engrossed in her own beauty and thinks only her brilliant eyes and crested head. Taking advantage, वो जैसे ही देख रहा होता है के मौके की नज़ाकत को, हम लोग बोलते हैं ना मौके की नज़ाकत को देखकर, तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मोमेंट स्पाइडर पाउंसेस ऑन हर एंड फाइसली कैचेस हर। द स्पाइडर क्विकली ड्रैग्स हर अप टू हिज विंडिंग स्टेयर, विंडिंग स्टेयर मैंने आपको अभी दिखाया था, विंडिंग स्टेयर में करके लेके चला जाता है, देन टू हिज डेन एंड फाइनली टू हिज लिटिल पार्लर, और वो बिल्कुल गुफा के अंदर लेके चला जाता है अपना और फिर उसको खा जाता है। The fly's words finally hold true for her own self as well as she never come out of the device by just home. वो भी जानती थी कि उसके अंदर जाएंगे तो हम फंस के रह जाएंगे, मर ही जाएंगे, और तो वो अपने ही बारे में, अपने ही अच्छाई, अपना फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में सोचने लग गई, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ब्रिलियंट आइज है, क्रेस्टेड हीड है, क्रेस्टेड हेड है, और यही मौके को वो समझ कर उसने उसे पकड़ कर है ना लेकर चला जाता है अपने डेन में। तो यहाँ से हम लोगों को सीख मिलता है कि हम लोग कभी भी जो लोग फ्लैटर करते हैं ना हम लोगों को, उनकी बात कभी भी नहीं सुनना है, ये चीज़ बांध लीजिए। एंड नाउ डियर
फ्रेंड्स दिस इज स्टैंजा नंबर 7 द लास्ट स्टैंजा. मैं आपको बोला था लास्ट स्टैंजा इज टोटल स्टैंजा इज स्टैंजाज आर 7. तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा है. नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन मे टू दिस स्टोरी रीड टू आइडल सिली फ्लैटरी वर्ड्स आई प्रे यू नेवर गिव यू. यानी कि यहाँ पे पोएट हम लोगों को एक हिंट दे रहा है, हिंट दे रही हैं कि जो भी प्यारे बच्चे डियर चिल्ड्रंस हम लोगों को कंसिडर किया जा रहा है डियर चिल्ड्रंस. चलो मैं भी एक डियर चिल्ड्रन ही बन जाती हूँ. तो डियर चिल्ड्रन जो भी ये स्टोरीज को पढ़ रहे हैं इस सिली फ्लैटर वर्ड्स के ऊपर में नहीं जाना कभी भी. जो भी लोग फ्लैटर वर्ड्स कर रहे होते हैं, सिली फ्लैटरी वर्ड्स करते हैं दूसरों के लिए कि आप बहुत ऐसे हैं, आप बहुत ज़्यादा है, आपका तो खाना ही, आपको तो देख ले तो मेरा दिन ही अच्छा जाएगा, इस तरह का जो भी वर्ड्स बोलते हैं ना, उनसे ज़्यादा ना दोस्ती करना है और ना ज़्यादा दुश्मनी. बिल्कुल मीडियम मोड में रहना है. बिल्कुल भाई आप दूर से अच्छे हैं, इस तरह से आपको रहना है. बिकॉज यहाँ पे बोल दिया है आई प्रे यू नेवर ही. क्योंकि इस तरह से जो लोग भी फ्लैटरी वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही कनिंग होते हैं, बिल्कुल स्पाइडर की तरह, तो वो आपको खा जाएंगे. तो इससे बेहतर है कि आप उनसे दूरी बना के रखें. दूरी बना के रखें मतलब दो मीटर दूरी बना के रखने का मतलब नहीं है मेरा. दूरी बना के रखने का मतलब है कि ना ज़्यादा बात करेंगे, ना ज़्यादा फंसेंगे और ना ही ज़्यादा दुश्मनी रखेंगे. ठीक है, सब चीज़ एकदम मीडियम में रखना. अनटू एन एविल काउंसिलर क्लोज हार्ट एयर एंड आन एंड टेक अ लेसन फ्रॉम द स्टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई. तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है हमें अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए, हमारे भाई बहन हैं उन लोगों से काउंसलिंग करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है ये हमारे आसपास के लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमारे क्या कैपेसिटी है, किस चीज़ हम कौन सा चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना भी हो सके अपनी फैमिली पे ही डिपेंड रहना चाहिए, ना कि किसी और के फ्लैटरिंग वर्ड्स में जाना चाहिए. ठीक है, बाहर वाला जो है वो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन अपने लोग जो रहते हैं वो हमेशा आपके रहेंगे. आप चाहे किसी भी सिचुएशन में चले जाएं वो आपका साथ देंगे ही देंगे. लेकिन बाहर वाले क्या है, एक बार आपको फंसा दिए ना और उसके बाद वो कभी आपके साथ में ज़िंदगी में नहीं आएंगे. ठीक है, तो नाउ अब बारी आ जाती है इस पार्ट की जो कि एक्सप्लेनेशन पार्ट है. लेट्स रीड दिस. देयर्स अ चेंज इन द नरेशन ऑफ द स्टाइल ऑफ द पोएम. यहाँ पे हम लोग का जो स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है. बिकॉज यहाँ पे पोएट अब खुद आ जाती है ना, एज अ पोएट एंड्स हर टेल. जैसे ही पोएट नरेशन स्टाइल जो है वो ख़त्म हो करके अब वो खुद आ करके बात कर रही है हम लोगों से. She breaks off from the storytelling mode and directly addresses her audience, offering a warning or a moral to conclude the poem. यहाँ पे वो directly हम लोगों को आकर warning दे रही है कि ऐसे लोगों से, ऐसे cunning spider type के लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है. Okay? Take a lesson from the spider and the fly. The poet counsels, be distrustful of useless sweet talk. That is insincere. जो कि आपको लगता है बिल्कुल यूजलेस है, स्वीट टॉक है बहुत ही ज़्यादा ही. ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा मन में नहीं लेंगे, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा. Not all praises or advice is genuine. सारा का सारा जो भी आपको एडवाइस दे रहे होते हैं, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं या जितने भी आपको प्रेज कर रहे होते हैं, आपकी अच्छाई बोल रहे होते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जेन्युइन ही निकलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है. तो आपको पता होना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपको जेन्युइनली बोला जा रहा है और कौन सा नहीं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी फैमिली से कंसल्ट करिए, लेकिन बाहर वालों से कभी भी कंसल्ट नहीं करना है. बिकॉज दे आर वेरी मच नियर टू लाइक कनिंग स्पाइडर. वो सबके सभी कनिंग स्पाइडर होते हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो सब आपके फ्लाई है, मतलब आपके भाई बहन जैसे हैं. ओके, देयरफॉर यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ हु यू लिसन टू. द पोएट वुड रादर लाइक अस नॉट कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट एट ऑल विद स्वीट टंग पीपल विद नॉट सो स्वीट इंटेंशंस. बिकॉज उन लोगों का इंटेंशन ही स्वीट नहीं होता है, वो दिखा रहे होते हैं कुछ और अंदर से कुछ और ही होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर्स का स्टैंजा और उसका एक्सप्लेनेशन. चलिए मॉरल्स में आ जाते हैं. मॉरल ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी टेल्स, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, द स्टोरी टेल्स ऑफ अ कनिंग स्पाइडर हु इंश्योर अ नेव फ्लाई थ्रू द यूज ऑफ सिडक्शन
आई एम फ्लैटरिंग, उसको बार बार सड्यूस कर रहा है कि भाई तुम बहुत अच्छी हो, एंड एट द एंड हमारा हाल कुछ इस तरह से हो जाएगा, रेस्ट इन पीस। सो हमें सिडक्शन और फ्लैटरी से दूर भागना है। ओके, द पोएम इज अ कॉशनरी टेल। कॉशनरी टेल मतलब पहले से प्रिकॉशन ले लेना है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा हनी टंग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा हनी स्वीट, बहुत ही मिठास रस घोल करके बात कर रहे होते हैं, उन लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगेंस्ट डोज हु यूज फ्लैटरी एंड शार्म एज अ फ्रंट फॉर पोटेंशियल एविल, वो अंदर से कुछ और ही होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा स्वीट वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, वो अंदर से एविल हो रहे होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द टेल इज दैट नॉट एवरी वन हु फ्लैटर्स एंड एक्ट फ्रेंडली रियली इज, जो सच में जो अच्छा है उसकी तो अच्छाई होगी, लेकिन जो अच्छा है उसको ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आदमी अच्छा अच्छा बोलता रहे, है ना। कभी कभी लोगों का अलग अलग इमोशंस भी निकलता है, लेकिन जो हर बार आपके साथ में अच्छा ही ये कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है बार बार आपको, वो सही नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना मॉरल। नाउ फ्रेंड्स, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। आप भी सब्सक्राइब करिए, मेरा वेबसाइट लिंक कर दिया हुआ है और भी मैंने बहुत चीज़ें डाली हैं इसमें, तो आप लोगों को अगर पसंद आया है सच में तो आप प्लीज़ इस ये जो मैंने बनाया है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इसे अच्छे से एक बार गो थ्रू करिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। और अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे, तो मैंने भी मेहनत किया है और आई होप कि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, तो जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा मार्क्स उठाने का कोशिश करिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।